चौक पर लगाई चौपाल, डॉक्टर्स को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कल डायरिया की वजह से दो भाइयों की मौत हो गई थी। तो लगातार डायरिया और मलेरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे भी मलेरिया प्रभावित गांव का दौरा यहां पर किया कलेक्टर ने, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चों से भी वो पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश उनकी ओर से दिया गया है। डॉक्टर्स को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि बिल्कुल भी मुख्यालय को ना छोड़ें, यानी कि अपनी जगह से ना हटें। कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति में अगर कोई पहुंचता है तो फौरन सेवाएं दी जाएं। तो मलेरिया का प्रकोप एक तरफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं डायरिया की वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, और ऐसे में मौत का ये मामला भी सामने आया है। रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, अब कलेक्टर मलेरिया प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए, क्या निर्देश जरूरी उनकी ओर से दिए गए, और क्या ग्रामीणों को भी किसी तरीके के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं, क्या कोई समझाइश दी गई? जी बिल्कुल, देखिए जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया और मलेरिया के जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहे हैं, और यही वजह है कि जो इसके बीते कुछ दिन पहले जो है वो दो बच्चों की मौत हो गई थी मलेरिया से, और इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। लगातार डायरिया के भी मरीज सामने आ रहे थे। तो कोटा में जो प्रभावित क्षेत्र है खुर्दा, छुईया और टेंगनमाड़ा, जहां पर मलेरिया और डायरिया के मरीज मिल रहे हैं, वहां कलेक्टर रवनीश शरण पहुंचे और जो वहां के जो लोगों को भी समझाइश दी है कि किस तरीके से डायरिया से बचे, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो टीम वहां सर्वे की लगाई गई है। लोगों को भी थोड़ी सी यहां पर जो लापरवाही